मैंने आपका शुक्रिया अदा किया, इस तरीके से मैंने आपको कैरियर पेश की कि भाई आपने बच्चों को सही जगह पर पहुंचाया और हम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से मैं भी कुछ बातें आपको आपके बच्चों के ताल्लुक से बोलना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि बाद में आपके कुछ जुमले जरूर मैं सुनूं। एक्चुअल तालीम का जो अमल होता है, ये तालीम का अमल एक समझ लें, एक ऑटो रिक्शा आपने देखा है और रोजाना देखते हैं, तो एक ऑटो रिक्शा की माने ये ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ एक ड्राइवर, वो दर्द की बच्चा है और उसके तीन पहिए हैं, जिसमें से पहला पहिया जो होता है उसको बाद में जिक्र करता हूँ, उसके दो पहियों का पीछे जिक्र करता हूँ। उसके दो पहियों में से एक जो है वो स्कूल और असातिज़ा है और दूसरा जो बाजू का पहिया है वो माशरा। लेकिन जो अगला पहिया है जो उसको खींच कर आगे लेकर जाएगा वो दर्द वालिद है। अब आप समझ लें कि उस पहले पहिए की क्या अहमियत है और क्या अहमियत है बच्चे की जिंदगी में, उसकी नशोनुमा में, उसकी तरक्की में, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट। और अब ये जो काम है अगरचे कि स्कूल का नहीं होता, बहुत सारे स्कूल इस सिलसिले में साफ तौर पर कह देते हैं कि भाई हमारा ये काम नहीं, हम पढ़ाकर जो है अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर देंगे। लेकिन चूंकि आज माशरे के, आज हमारे समाज के जो हालात हैं उसके उसको देखते हुए, वो तमाम हालात का जायजा लेते हुए कोई शख्स खामोश अगर बैठ जाता है तो इसका मतलब ये कि वो अपनी जिम्मेदारी उस अच्छे अंदाज में अदा नहीं कर रहा है जिससे उसकी तवक्को की जाती है। तो हमने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी या बढ़कर अदा करने का ये जो अंदाज अपनाया है वो ये है कि आपके बच्चे जो है वो पॉल्यूशन से जो समाज और माशरे में फिर आया है, बढ़ गया है, वो पॉल्यूशन, वो आलूची वो क्या है, उससे बचे। तो आप जरा गौर करें कि पॉल्यूशन है क्या। हम अपने घर में अभी आप रिजल्ट आए हैं तो उसमें आमतौर पर ये हुआ है 10वीं जमात के, 12वीं जमात के और हर साल कॉलेजेस के जो रिजल्ट यूनिवर्सिटीज के आते हैं, हर अलग अलग शोबे के रिजल्ट जाहिर होते हैं। आप जरा एक बात गौर करें और मुझको कोई बताए अगर मैं गलत बोल रहा हूं, तो उसके रिजल्ट किसके अच्छे होते। चलिए ठीक है, एक आशा भी करता हूं मैं कि लड़कों के अच्छे होते हैं या लड़कियों के अच्छे होते, किसके अच्छे होते, लड़कियों के। इधर से जवाब भी आ रहा है कि लड़कियों के रिजल्ट बहुत अच्छे हो गए। 10वीं जमात में 90 के ऊपर पहुंचने वाली तमाम या ज्यादातर जो है वो लड़कियां हैं, 80 के ऊपर पहुंचने वाली ज्यादातर जो है वो लड़कियां हैं, 70 के ऊपर पहुंचने वाली ज्यादातर लड़कियां हैं, अब 50 और 60 के अंदर जो रहने वाले ज्यादातर जो है वो लड़के। अब आप बताएं कि एक स्कूल, जैसे मैं खासतौर से अभी यहां मैं जनरल बात की, एक स्कूल जहां पर के अखलाकी तरबियत फराहम की जा रही है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के ताल्लुक से बहुत ज्यादा उनकी निगरानी की जा रही है, उनका फॉलो किया जा रहा है, उनको सिखाने की हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ उनके बिहेवियर पर, उनकी तालीमी तरक्की के साथ साथ उनके अखलाकी मामला पर भी नजर रखा जा रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में वहां पर रिजल्ट कैसे होना चाहिए। लेकिन जिस बच्चे के बारे में पूछो वो बोलता है कि मेरा कितना परसेंटेज है, 51 है, 55 है, 56 है, 58 है, 60% बहुत हो गया, लाइन लगी हुई है ऐसे परसेंटेज। और लड़कियों के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जबकि उमूमन लड़कियों को उतना ज्यादा जो है वो फॉलो अप नहीं दिया जाता, एक बार बोल के सब फामोश हो जाते हैं, लड़कियां बराबर कर रही हैं। तो कुछ मिजाज के मामला जरूर हो सकते हैं कि लड़कों के और लड़कियों के मिजाज में बहुत फर्क है, लेकिन उस मिजाज को समझते हुए कुछ जरूरतें भी हैं कि भाई अगर लड़कियां सेंसिटिव होती हैं और हर काम एक बोलने पर कर लेती हैं तो 10 बोलने पर भी वो लड़का नहीं करता, तो इसका मतलब ये कि लड़के को ज्यादा बोलने की और ज्यादा ताकीद की जरूरत है। अब आप जरा एक बात मुझको बताएं कि घर में जब बच्चे
आते हैं, लड़कियां भी जा रही हैं स्कूल में और लड़के भी जा रहे हैं। जब लड़की लड़की थोड़ी देर हो जाती है आने में तो वालिदैन जो है वो फिक्र करने लगते हैं कि लड़की कहाँ रह गई, करते ही नहीं करते। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि ये फिक्र लड़की लड़के के बारे में कितने लोग करते, कितने लोग करते करते चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप करते हैं, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल कि लड़की बाहर नहीं जाती घर के गैर जरूरी तौर पर, माँ के साथ जाएगी, अपने लड़के बड़ों के साथ जाएगी, लेकिन अगर कभी चली गई वो बगैर बताए तो आप तो फिक्रमंद होते हैं कि भाई लड़की गई कहाँ और क्यों गई, आप बाकी का सवाल उठाते हैं, उठाते हैं कि लड़का चला जाता है कितने लोग सवाल होते हैं। मैं ये कहीं गया होगा खेल, तो एक्चुअल क्या होता है, ये जो थिंकिंग है हमारी, ये जो हमारी सोच है, ये दरअसल हमको घाटे में लेकर जा रही है उस लड़के के साथ। आपने एक कानून के बारे में सुना था जो राइट टू एजुकेशन एक्ट कहलाता है, ये भारत के दस्तूर में ऐड किया हुआ एक कानून, अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो उसमें लाजमी हक के तालीम का कानून है। ये कानून 2009 में मुतारिफ करवाया गया, इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसका बाद, और इस कानून के तहत 6 से लेकर 14 साल का हर बच्चा जो है वो तालीम उसकी लाजमी है और उसकी जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स की, और स्कूलों को भी पावर किया गया कि इन बच्चों को जो है वो तालीम किसी सूरत में दें और महरूम ना रखा जाए। अब आपको पता है कि स्कूल में जब किसी बच्चे को ला लिया जाता है यानी उसका नाम रजिस्टर पर दर्ज करवा दिया जाता है, तो क्या कोई टीचर उसको भगाने की कोशिश करता है? जब वो ये कानून जानता है तो क्या किसी बच्चे को जो है बाहर रखेंगे कि वो तालीम ना हासिल करे? जब आपने हमारे पास बच्चों को लेकर आए तो क्या वो बाहर रखेंगे कि भाई नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे इसको, इसका नाम रहने के बहुत, ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल, नामुमकिन आप में से, क्योंकि आपने लाया है हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसको सिखाएं, लेकिन उतनी जिम्मेदारी उस कानून के तहत वालिदैन की भी है कि वो बच्चे का प्रोग्रेस देखते रहें और उसे जो है तालीम के उस हक से उसको बाहर ना रहने दें आगे जाके, कहीं वो जो बच्चा महरूम ना रह जाए उस हक, तो उस हक के ऊपर वो बराबर लगा है या नहीं, उसको हासिल कर रहा है नहीं, ये निगरानी करना भी वालिदैन की जिम्मेदारी। तो अब उस कानून के तहत 2009 से यानी 14 वर्षों से तकरीबन 15 वर्षों से ऐसा काम हो रहा था कि बच्चे जो है वो पहली क्लास में दाखिल करने के बाद 8वीं क्लास तक रुकते नहीं, आपको पता है रुकते नहीं थे। अभी क्या तब्दीली हुई किसी को पता है? इस साल हुकूमत ने एक सर्कुलर निकाल के उस CCE की पॉलिसी में यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन में कुछ तब्दीली की, और वो तब्दीली क्या है कि पहले बच्चा पहली क्लास में डालने के बाद पढ़े ना पढ़े वो आगे बढ़ता चला जाता था, लॉन्ग एब्सेंट है, कुछ नहीं आ रहा है, तो टीचर उसको बोलने के लिए उतना जो है वो जवाब नहीं रखता था कि भाई बच्चे को महरूम नहीं करना, लेकिन उसमें अब तब्दीली की गई जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि उस तब्दीली का ये पहला साल होगा। 5वीं जमात में बच्चा अगर पूरा सही मैयार पे उतरता है साल भर में तो इसका मतलब ये कि उसे तालीम साल के आखिर में इम्तिहान में नाकाम हो सकता है वो बच्चा, और उस नाकामी की बुनियाद पर वो इम्तिहान दूसरी बार देने का अहल होगा, और दूसरी बार भी नहीं होगा तो इसका मतलब ये कि उसे उस क्लास पे फिर से बैठना होगा साल भर के लिए, यानी बच्चा बसूरत दीगर नाकाम होगा। अभी कुछ सिस्टम बना है, सबसे पहले सुबह स्कूल जो है 6:50 पर भेज देना चाहिए, बच्चे को यहाँ पहुंच जाना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ तकलीफ होती है सुबह उठने में वालिदैन के तौर पर, क्योंकि कोई एक जिम्मेदारी नहीं है वालिदा की या वालिद, बहुत सारे काम उनके जिम्मे हैं और वो दहनी गोद में भी लगे हैं जिस्मानी गोद के साथ साथ, तो ये सारी चीजें होने के बावजूद वक्त की पाबंदी करवाना कि भाई ठीक है मेरी जिम्मेदारी है लेकिन मेरा बच्चे की जिंदगी
मेरे लिए है। हम जिंदगी क्यों जीते, क्यों जीते हैं? क्योंकि हम हमारे बच्चों की तरक्की देखना चाहते हैं। हम सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो किसी तरीके से आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं। तरक्की उस सूरत में मुमकिन है, अच्छी तरक्की, जब हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो, हमारा कॉन्सेंट्रेशन हमारे बच्चों पर लगा हो। और ये आज नहीं मिल पा रहा। मैं सुबह पहुंचे, वक्त की पाबंदी करें, और ये मामून अगले एक साल के लिए नहीं बल्कि 6 बरस के लिए, पूरे 6 बरस के लिए, कि नहीं इस स्कूल ने हमको बता दिया इसमें कोई तब्दीलियां मुमकिन नहीं है, ना ये स्कूल कभी 9 बजे का होने वाला है, ना ये स्कूल बारिश में रुकने वाला है, ना ये स्कूल सर्दी में रुकने वाला है। जरा सा समझौता वक्त की बुनियाद पे नहीं किया जा सकता है, और अगर ये नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब है कि हम बाय डिफॉल्ट उस सिस्टम के पाबंद हो गए हैं जिसने हमको बनाकर भेज दिया। कुछ स्कूल 7:30 बजे शुरू होते होंगे, कुछ 7:45 बजे होते होंगे, वो पता नहीं कैसे अपने वर्किंग आवर्स पूरे करते हैं। वर्किंग आवर्स पूरे होते ही नहीं है, 7:45 बजे भी हम शुरू कर रहे हैं तो भी नहीं होते। मैंने अभी आपको टाइम बताया था, नहीं होते। 1500 बच्चे सुबह की शिफ्ट में लड़के पढ़ रहे हैं और 1500 लड़कियां दोपहर की शिफ्ट में पढ़ रही हैं 10 सेक्शन में, और एक ही बिल्डिंग में जब इतना बड़ा सिस्टम चलता है तो कुछ वक्त खाली होने के लिए, भरने के लिए लगता है, आपको भी पता होगा। तो अभी हम लोग कुछ वक्त की पाबंदी, डिसिप्लिन, कुछ बच्चों की सेफ्टी, ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। और ये जो ध्यान है हमारा, ये आपके बच्चों की बेहतरी के लिए, तो इसलिए उस सिस्टम के पाबंद बनना और बनाना अपने बच्चों को, ये जिस तरह से हमारी जिम्मेदारी है बिल्कुल उसी तरह से आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे ये तवक्को करूंगा, सबसे पहले पंक्चुअलिटी यानी वक्त की पाबंदी अपने बच्चों को सिखाएं, और खुद भी कि नहीं भाई मैं छोड़ कर आऊंगा, रिक्शा वाला अगर है तो उसको बोल दूंगा, खुद बच्चा अगर आता है तो उसको सिखाऊंगा कि नहीं वक्त पे पहुंचे। और ये चीजें बहुत जरूरी, हमने बच्चों की सेफ्टी का इतना ध्यान रखा है, ये सड़क है पानी भरता है बात बाय, और वैसे वर्णी में पानी कहाँ नहीं भरता है, ये मैं आपसे पूछूंगा, मैं पूछूंगा आपसे, तो आप बोलेंगे कि वाकई मेरा सवाल नहीं, सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि भाई सड़क स्कूल की सड़क पे पानी भरता है, ऐसा तो नहीं है, बस पूरे शहर में हर जगह पर पानी भर रहा है, लेकिन अब क्या उसकी वजह से स्कूल बंद कर दिया जाए, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए बच्चे को सेफ्टी के साथ में कुछ आगे छोड़ेंगे, छोटे छोटे बच्चे, ये हमारे बाप के एकदम मासूम फूल है, इनकी खुशबू जो है अभी निकलना शुरू हुई है, अब इसकी पूरी खुशबू वो बाप महसूस करे आपका और हमारा, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि उनकी हिफाजत करें, बच्चों को वक्त पे यहाँ पर पहुँचाएं, उनके लेने के लिए पहुँचे। देखो एक पेरेंट को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे को 5वीं क्लास में आज से 7 बरस पहले स्कूल में दाखिल किया था, 6 बरस का, और अभी पिछले साल उनका वो बच्चा दहू जमात के SSC इम्तिहान में कामयाब हुआ। मैंने 6 बरस उसके वालिद को एक वाइट ड्रेस में यहाँ पर आते हुए देखा है, और पूरी पाबंदी के साथ सबने देखा होगा, मेरे टीचर ने भी, कि सुबह 7:45 बजे से पहले मैं वक्त की पाबंदी करने की पूरी कोशिश करता हूँ, मेरे अहाते अलहमदुल्ला। तो इन्होंने उनको देखा है कि वो सुबह सवेरे पाबंदी से पूरी वॉक करने में लेकर आते हैं, बच्चे को साथ में बिठाते हैं, थोड़ा खड़े रहते हैं वहाँ देखते हैं। देखो यही उम्मीद है, यही वो उम्मीद है जो वालिदैन अपने बच्चों से लगाता है। मैंने 6 बरस बाद उनसे पूछा कि कैसा रहा आपका सफर, तो उन्होंने कहा कि बहुत खुश हुआ था, क्योंकि मेरा बच्चा मेरी नजरों के साथ है। देखो बच्चे सत्य होते कि हम लुकऑफ्टर नहीं करते, हम निगरानी नहीं करते उस अंदाज में, जिस अंदाज में उनकी उस निगरानी की जरूरत होती। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जगह पर मैं कोई अकेले दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ स्पेशल हूँ, और उस स्पेशलिटी को आपको पूरी करना पड़ेगा। हमको ये सीखना पड़ेगा कि हालात मुश्किल हो लेकिन उन्हीं हालात में से हमारा बच्चा इंशाल्लाह आगे बढ़े। कोई भी शख्स जिसने तालीम हासिल की है और अच्छे रिजल्ट लाए हैं वो आज खाली नहीं है खाली। कब तक आप ये बोलेंगे कि गरीबी की वजह से, ठीक है तालीम महंगी है, तो क्या इसकी वजह से लोगों ने तालीम हासिल करना बंद कर दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं किए। मैं हमारे यहाँ के बच्चों की मिसाल दूँ, हमारे यहाँ के बच्चे जो आप ही के जैसे वालिदैन के बच्चे हैं और थे, वो बच्चे आज बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे हैं। कोई डॉक्टर है बड़ा, MD है, MBBS है, कोई MS है, या फिर कोई जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कोई बहुत बड़े बड़े वकील है, या फिर बड़े बड़े ओहदों पर। मैं कल की मिसाल देना चाहता हूँ कि कल
बच्चा मेरे फोन में उसका मैसेज है, वॉइस मैसेज भी, इसका नाम है खान जुनेद अल्तमश। ये बच्चा कल सुबह ब्राजील पहुंचा है, ये पिछले 6 साल पहले का बच्चा है, जिसने यहाँ से 10वीं जमात पास की। 6 साल में इस बच्चे ने एक लगन, वो बोलता है कि नहीं, मैंने जो कुछ पाया वो यकीनी तौर पर वालिदैन से तो मिला उसको, लेकिन सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरा स्कूल है, मेरे हेडमास्टर है, मेरे असातिज़ा है, कि उन्होंने मुझको इंस्पायर किया कि तुम आगे बढ़ो तालीम की तरह। तो बोले मैंने 10वीं के बुनियाद पर एक सख्त ट्रेनिंग ली मास्टर नेवी की, और उस नेवी के बोले मैं एक थी, यानी अगले 10 महीने बाद बोले मैं आऊँगा इंशाल्लाह पूरे वाइट ड्रेस में, जो नेवी का ड्रेस होता है उसमें आऊँगा और आपसे बोले सैल्यूट करूँगा। ये वो बच्चा है। अब आप बोलेंगे कि ये बच्चा कोई बहुत पॉश कॉलोनी में किसी पॉश इलाके में रहता हूँ, नहीं, यूनिवर्सिटी पॉश हो ही नहीं सकता, ये भी मैं बोलता हूँ, है ही नहीं पॉश नहीं, पर हर जगह पर आपको स्लम मिलेगा या आम बस्तियाँ मिलेंगी। मैं भी इसी बस्ती में रहता हूँ और आप भी उसी बस्ती में रहते हैं, ये भी उसी एक शहर इलाके का रहने वाला, जहाँ से आप आते हैं उसी इलाके का बच्चा है, जिसकी मैंने आपको कहानी सुनाई। और ये बच्चा मुस्तकबिल में जब आएगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसने बहुत बड़ी कामयाबी जो माजी ने भी हासिल किया, उस कामयाबी के सिलसिले को तरक्की की सूरत में बरकरार रखा। तो ऐसे कितनी मिसालें हैं जो मैं दे सकता हूँ। इनका वीजन बना क्योंकि वो एक वीजन और बसीरत वाले इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम बच्चों को वो बसीरत दे जो हमारी बसीरत है, हमारे हमारा वीजन है कि तरक्की करें, गोल पर नजर रखें और उसी की संख्या आगे बढ़े। अगर ये नहीं हुआ होता तो फिर वो जो बच्चा मोहम्मद हुसैन नाम का 107 नंबर के रैंक पर कामयाब नहीं हुआ होता, UPSC के उस 107 नंबर के रैंक पर, वो बच्चा जो एक मामूली एरिया से निकलकर मुंबई से डोंगरी की बस्ती से उठा और UPSC में यानी IAS IPS अफसर के रैंक पे पहुंच गया, और उसकी कहानियां उसके मुताबिक जो है अखबारात में रोज आ रहे हैं उसकी तस्वीर के साथ कि उसने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। वो बच्चा कहां का है? कोई और नहीं, उसके वाले ज्योति पे जो मुंबई की डॉक है, डॉक पे मजदूर लेबर का काम करते हैं, सामान उठाते हैं जहाजों से, वही बच्चा जो है आज IAS अफसर बन गया है। तो क्यों बना है? क्योंकि अगर वो भी बहाने करता रहता कि उसको ये नहीं मिला, उसको वो नहीं मिला, उसको ये कमी है, उसको वो कमी है, तो फिर वो आज बढ़ नहीं पाता। जिन्होंने अपने मसाइल को छोड़कर और उनसे टक्कर लेकर वो आगे बढ़ गए, उनको रास्ता मिल गया और मंजिल मिल गई, और जो बहाने करते बैठे रहे वो तरक्की नहीं कर पाए और आज अंधेरों में गुम। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा हो तरक्की कर? चाहते हैं कि नहीं चाहते? मैंने वो लड़कियों की बात शुरू में की है, फिर से मैं उसी मौजू पे आता हूँ कि मुमरा की एक लड़की सकीन अंसारी, आपने ये नाम सुना? नहीं सुना हो? ये 2 साल पहले पूरे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट के इम्तिहान में पूरे इंडिया में फर्स्ट आई एक लड़की, जिसने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की, एक लड़की जो स्लम में रहती है, एक लड़की जो हमारे ही जैसे बस्तियों से निकलकर आगे बढ़ी, एक लड़की जिसके मसाइल वही थे जो हमारे हैं बल्कि उससे भी बुरे, एक लड़की जो टक्कर लेते हुए पूरे अज़्म के साथ में हालात को झेलते हुए आगे बढ़ी और CA के चार्टर्ड अकाउंटेंसी के इम्तिहान में पूरे इंडिया में जो मुश्किल तरीन इम्तिहान होता है पूरे इंडिया में फर्स्ट है। जब लोग जो इसमें से आगे बढ़ेगा वही चैंपियन कहलाएगा, वही खिलाड़ी कहलाएगा। अच्छा लगा कि आप चाहते हो कि आप यहाँ से जाने के बाद कि यूं ही बगैर आपको पढ़ना लिखना आए पास होते चले जाए, ऐसा चाहते हैं क्या? क्या चाहते हैं बताइए मुझे। पढ़ लिख कर पास होना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, रोजाना पढ़ाई के लिए वक्त देना पड़ेगा, और अगर आप ये करते हैं तो इंशाल्लाह उन बच्चों में आपका नाम होगा जो इस स्कूल के कामयाब तलबा कहलाते हैं, बड़े अहदों पर पहुंचे हैं, ऊंचे मकाम पर फायदे हुए। पहुंचना चाहते हैं आप? ये देखेंगे यहाँ कई बोर्ड लगे हुए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, इसमें यहाँ के टॉपर्स के बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, अलग अलग मुकाबलों में फर्स्ट आने वालों के इनाम रखे हुए हैं। क्या आप
गंदे अल्फाज मुंह से निकालने से बचें, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। आपके वालिदैन ने आपको बहुत उम्मीदों से हमारे स्कूल में भेजा है, पढ़ाई पर ही अपना वक्त दें और कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे आपका नुकसान हो और वो ज्यादा कई बरस बाद जाकर आपको भुगतना पड़े। और फिर आपके वालिदैन बोले कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं आया, मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो। तो मुस्तकबिल में हमारा ये सपोर्ट अगर आपको करना है तो इसका मतलब है कि आपको आज से अपना सपोर्ट खुद का करना पड़ेगा और पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देना देनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपने असातिज़ा की इन बातों पर अमल करेंगे और मुस्तकबिल में बेहतर नतायज आपके आएंगे और अच्छे तालिब इल्मों में यहाँ पर आपका शुमार होगा। ऐसी मेरी बहुत सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात आपके लिए। मैं तमाम वालिदैन और सरपरस्तों का एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बच्चों के इन मसाइल को, मैंने बताया या मेरे असातिज़ा रोज़ाना बताते हैं, उनके ताल्लुक से आप उनकी फिक्र करेंगे और इंशाअल्लाह आप इन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। Oh,